उस रोज़ बाबा ने शादी की बात कही और हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, कुछ नहीं कहा, बस माई का चेहरा सामने आया, हमने चुप साध ली। धूमधाम से शादी हो जाने के बाद भी हम बहुत कुछ कहना चाहते थे। मगर फिर माई का चेहरा सामने आ गया, फिर चुप साध ली। हम इनको नहीं जानते थे, पहले कभी मिले भी नहीं थे। कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कुछ भी तो नहीं जानते थे। हमारे वहाँ अक्सर शादियाँ मोहल्ले के आसपास के घर से ही किसी के साथ हो जाती थी, मगर हम तो भाई ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना, सो शादी भी ऊंचे घर में होनी थी। हालांकि कुछ नहीं चाहिए और बस बेटी को दीजिएगा जैसी बातें तो बहुत हुई थी, मगर जहेज तो पूरा गया था। कुछ रीत रिवाज के नाम पर कुछ बस यूं ही, और हम दुल्हन बने माई की चूड़ियों के अवज़ हार पहनकर बैठे थे उस फूलों सजी किराए की गाड़ी में। जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा था ना, खुश होना चाहिए ना, पर हमारा ध्यान बार बार माई की सूनी कलाई और अपने पीछे छूट गए रंग और कैनवस पर उसी पर ही जा रहा था। तो इनके घर पहुंच गए बहुत से रिश्तेदार और बहुत से रस्म और रिवाज के बीच वो शुरू के कुछ दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। नहीं, तब हनीमून नहीं होता था। सो धीरे धीरे उस घर के जो अब हमारा भी था तरीकों में ढलने लगे। जिंदगी ने भी अजीब रफ्तार पकड़ ली। घर और स्कूल और रिश्तेदारी और आस पड़ोस वगैरह वगैरह के बीच खींचतान चलती रही। कब कैसे 20 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। माई अब हमारे साथ रहती है बाबा के जाने के बाद, अकेली कैसे रहती। दोनों भाई अब यहाँ नहीं रहते हैं, बड़ा वाला दिल्ली और छोटा चेन्नई नौकरी कर रहे हैं ना। अपना घर किराए पे दे दिया माई ने, जीवन का वो हिस्सा अब सपने जैसा जान पड़ता था। स्कूल कॉलेज वो दोस्त वो जीवन जैसे किसी और जन्म में रहा हो। ऐसा कोई खास गिला या शिकायत भी नहीं था, ये बाकी सब पति जैसे होते वैसे ही हैं, सास ससुर भी बच्चे भी, कुल मिलाकर बिल्कुल वैसे जी रहे थे जैसे करोड़ों आम हिंदुस्तानी औरतें। और एक दिन जब स्कूल से घर आए तो देखा सुमन, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया। सुमन इतने सालों बाद और यहाँ कैसे, एक बार को सब भूल गए, घर गृहस्थी सब, खाना बनाना है, बच्चों की ट्यूशन सब। सास ने देखा
जरा नाराजगी से, मगर फिर माई के साथ खाना बनाने में लग गई। सुमन, नो सुमन, सुमन, मैं कितनी खुश हूं तुझसे देखकर, इतने साल बाद। हाँ, और आज भी मैंने ही खोजा तुमको। हाँ हाँ, वो तो तुम सदा से ही मेरी गुरु माँ थी ना। अच्छा, वो सब छोड़ो, बताओ कैसी हो। मेरा तो दिख ही रहा है ना सब, शाम को इनसे भी मिला दूंगी, तो अपनी बता। सुमन तकिए की टेक लगाकर बैठ गई। वो बता रही थी कैसे शादी के बाद बाहर जाने का मौका मिला और उसके पति सिंगापुर चले गए, वहां धीरे धीरे काम जमाया, फिर सुमन को बुलाया, फिर वहां गृहस्थी जमाना, फिर बच्चे, फिर उनकी जरूरतों के पीछे भागती जिंदगी। अब दोनों बेटे कॉलेज में हैं, वहां कॉलेज में ही रहना होता है, उसको कुछ डॉर्म हॉस्टल कहते हैं। और इस सब में मैं अपने पुराने दिनों में चली गई थी। झूला, स्टापू, पिट्ठू, पकड़म पकड़ाई, स्कूल जाते हुए इमली खाना और उसके कागज के गहने बनाना, कैसे कहाँ चले गए वो दिन। और फिर स्कूल के आखिरी दिन, पढ़ाई का जोर और वो कैंप और अनाम, जैसे किसी ने पहाड़ से धकेल दिया। घुंघराले बालों वाली छोटी छोटी आंखें, वो सागर का किनारा, वो तस्वीरें, सब तूफान की गति से वापस लौटा। सुमन के विश्व प्रसिद्ध थप्पड़ से मेरी तंद्रा टूटी। उसने गुस्साते हुए कहा, मैं यहां अपनी रामायण सुना रही हूं और माताजी ध्यान मग्न। अरे कहां, सब तो सुन रही हूं। अच्छा बता, अब क्या कर रहे हैं बच्चा? अभी तो बताया ना, दोनों को सरकार की तरफ से अमेरिका भेज रहे हैं आगे पढ़ने, सो मैं उनको सबसे मिलाने ले आई हूं। अरे वाह, ये तो खूब बढ़िया खबर सुनाई तुमने। चलो इसी बात पे यहां की मशहूर गजक खिलाती हूं। ठहरो ठहरो माता, अगली खबर सुनेगी ना तो सारे शहर की गजक ठूस देगी मेरे मुंह में। अच्छा, अब क्या तुम भी अमेरिका जाओगी? उससे भी ज्यादा, क्या तुम्हारा अनाम। धड़कन यूं बढ़ गई और वो भी इतने सालों बाद। लगा पूरा मोहल्ला सुन लेगा। एक बेफिक्री सी उड़ते हुए हमने कहा, कौन अनाम? अब हम बच्चे नहीं हैं सुमन जी, हाँ, और घर परिवार वाले हैं। लाओ चाय ले आए तुम्हारे लिए, और जरा देख भी ले रसोई में क्या चल रहा है। पता चला दोनों बुढ़िया ने कुछ कांड ही ना कर दिया हो, लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, तो तुमको नहीं जानना? नहीं नहीं, मतलब सुन सकते हैं सिर्फ। हाँ हाँ, तो और क्या। ठीक है, तुम चाय ले ही आओ, और कुछ नमकीन भी। हाँ हाँ हाँ, अभी। वैसे बता दो, क्या कह रही थी तुम? मैं जानती थी, पता था मुझको। खैर, तो वो धीरे धीरे बोल रही थी और यहाँ सांस नहीं आ रही थी। तो मेरे बेटे ने मुझको बताया कि अब की बार हमारे देश के पेंटर कोई आ रहे थे, सो मुझको जाना चाहिए।
वो जानता था कि मुझको इन सब चीज़ों का शौक़ है, तो मैं गई और वहाँ पर एक तरफ अपनी कुछ तस्वीरें लिए लगाए खड़ा था तुम्हारा अनाम। तुम्हारा? मजाक कर रही हो? नहीं। अच्छा, उसने ना सिर्फ मुझको पहचाना मगर तुम्हारे बारे में भी पूछा। मेरे बारे में? हाँ, बोला मिलना चाहेगा। बोला कि नाम वगैरह नहीं जानता था ना, सो वो कभी मिल नहीं पाया। किससे? तुझसे। उफ, और किससे? और तुमने क्या कहा? यही कि तुम भी मिलना चाहती थी। पर ऐसे कैसे सुमन? मतलब सोचना तो चाहिए ना, हम अब किसी की पत्नी है, बहू है, इन्होंने सुना तो क्या सोचेंगे? तुम इतनी उतावली क्यों हो रही है? हाँ, वो अगले महीने दिवाली के बाद यहाँ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहा है, चाहो तो मिलाना। कैसे मिलाएंगे? घर पर क्या कहकर जाएंगे? कौन समझेगा हमारी परेशानी, बेबसी? झूठ बोलकर नहीं जाना चाहते थे, पर सच सच बोलने की कीमत क्या होगी? इसी कश्मकश में सारी शाम बीत गई। सुमन रात का खाना खा कर गई, माई ने ही बनाया, थेपले भी, बातचीत भी हुई थी। रात में जब हम दोनों सैर करने निकले तो इन्होंने सुमन की बात छेड़ी, पसंद आई थी इनको। अचानक रुककर बोले, सुनो, तुमने पेंटिंग क्यों छोड़ दी? सादा सा सवाल, सादा सा जवाब। पढ़ाई का भार था ना। हाँ हाँ, समझता हूँ, मगर अब घर और स्कूल से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अब ये क्या बात हुई भला, फुर्सत तो निकालनी पड़ती है। हमको लगता है तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए, कहकर वो लेटने चले गए और मेरे अंदर एक ज्वालामुखी को भड़का गए। आपके घर की मान मर्यादा की धरोहर को संभाले चलती हुई 20 सालों से आपकी बहू, जिसे अभी तक सर से पल्लू सरकने की इजाज़त नहीं है, वो पेंटिंग बनाएगी? वो घुंघराले बालों और छोटी छोटी आँखों की तस्वीरें बनाएंगी और आपको दिखाएंगे, और आप क्या कहेंगे? क्यों कबूल कर लेंगे? कभी उसके दिल में किसी एक के लिए इतना ज्यादा प्रेम उभरा था कि जिससे वो चाकर भी कुचल नहीं पाई। क्या देखना चाहते हैं? क्या समझ पाएंगे आप? क्यों बनाती हूं वही चेहरे हर बार, जब सब कुछ शादी के 7 फेरों की अग्नि में डाल दिया तो उसके साथ अपनी अनबनी तस्वीरें भी डाल देना।